सर निकाल दिए। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने ब्लैक पेस्टर निकाल दिया, कोई प्रिंट गया क्या इसमें से? नहीं सर, ईमानदारी से बता रहे हैं कोई प्रिंट नहीं गया? कोई प्रिंट नहीं गया, कोई प्रिंट नहीं गया। ये ब्लैक पेस्टर है या नॉर्मल आईसी है? ब्लैक पेस्टर है सर। ब्लैक पेस्टर। तो ओवरऑल कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था सर। पहले दिन से लेकर अभी तक की बात करें तो बहुत अच्छा था सर। बहुत बढ़िया मान था सर। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, थैंक यू। क्या प्रॉब्लम है आपका? लोगो पेस्टर है। तो आपने इसमें फ्लैशिंग वगैरह किए थे? सबको सुने फ्लैशिंग वगैरह किए थे? सॉफ्टवेयर ओके था? सॉफ्टवेयर फ्लैशिंग हो ही नहीं रही। फ्लैशिंग हो ही नहीं रहा। हमारी प्रॉब्लम में है या नहीं है? है सर। है ना? यस सर। अब देखो इसमें ये मैंने सुन तो फिर सर ये फोन तो आप तो सुबह से निकल पाते, सुबह से क्यों मांग रहे हैं हमसे? है ना? देखो अब कोई भी फोन हमारे पास आता है और आने के बाद अगर हमें देखना क्या होता है कि सर कोई भी फोन अगर लोगों में हमारी प्रॉब्लम में आता है तो सबसे पहले आई स्कैन डायग्नोज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? फटाफट आप तुरंत एसएलडी नहीं लगाना है, तुरंत आपको वॉश नहीं करना है, तुरंत सब कुछ नहीं करना। सबसे पहले आई स्कैन डायग्नोज। आई स्कैन डायग्नोज में क्या लिखे हैं हम लोग? सबसे पहले क्या देखना है आपको? सीपीयू का सीपीयू का क्या देखना होगा आपको? मतलब ब्रांड, मतलब क्या सीपीयू कोई भी ब्रांड होगा चलेगा क्या? नहीं। हमें देखना है सीपीयू के ऊपर ब्रांड नेम लिखा है कि नहीं। अच्छा यहाँ पे लिखा है या नहीं है? है ना? इसका मतलब ये डबल डेकर नहीं है। नहीं है। अगर ये डबल डेकर होता तो डबल डेकर रिकॉल करना पड़ता। अब दूसरी चीज क्या, अगर सीपीयू के ऊपर नाम लिखा हुआ है तो सीधे कहाँ पे आना है? स्टोरेज आईसी। किस आईसी में? अब अगर ये स्टोरेज आईसी यूएफएस आईसी हुआ, क्या हुआ? यूएफएस। क्या हुआ? यूएफएस। किस तरीके से जानेंगे कि सर मॉडल नंबर को हम जान सकते हैं, डाल सकते हैं जीएसए मेरी ना, या तो फिर आईसी के ऊपर जो पार्ट नंबर लिखा है इसको अगर भी हम गूगल करेंगे तो भी हमें पता चल जाएगा ये एमएमसी है कि यूएफएस है। ठीक है। अब हमने देखा अगर ये यूएफएस होता तो हमें किसको रिवॉल्व करना पड़ता? इतना तक क्लियर? यस सर। कोई डाउट? नहीं सर। नहीं। नेक्स्ट, अगर मान लो ये हमने ये गूगल किया और या तो फिर जीएसए मेरी ने किया, ये जो आईसी है ये आईसी हमें मिल गया ईएमएमसी आईसी। कौन सी आईसी? ईएमएमसी या तो फिर ईएमसीपीएल। तो इसके ब्रांड वाइज इसमें काम करना पड़ता है। अगर सैमसंग होता कौन सी आईसी होता था? सैमसंग आईसी होता था। तो सैमसंग आईसी खराब होने की चांसेस बहुत कम है, जिसके कारण मैंने क्या बोला सबसे पहले कि सर ईएमसीआई या ईएमसीपीआईसी को आपको डीटी करना है। क्या करना है? डीटी। डिटेक्ट एनटेस्ट। आता है सबको? यस सर। डीटी करना? यस सर। ठीक है। और डीटी करने के बाद हमें पता चलेगा कि आईसी ओके है कि नहीं है। अगर डीटी करने के बाद आईसी ओके है तो फिर सीपीयू रिवॉल्व करिए, नहीं तो दूसरा फ्लैश फाइल से फ्लैश कीजिए, दूसरा फ्लैश फाइल से फ्लैश कीजिए, फाइल चेंज कीजिए, है ना? अब उसके बाद अब ये हो गया। अब ये होने के बाद अगर यहाँ पे ये आईसी हो जाता कौन सी आईसी? एसके एनिस की आईसी। एसके एनिस की आईसी बहुत जल्दी हेल्थ खराब होता है। क्या होता है? बहुत जल्दी हेल्थ खराब होता है और हेल्थ बहुत ही ज्यादा खराब होता है, जिसके कारण एसके एनिस की आईसी सबसे ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम आता है, सबसे ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम आता है ना? यस सर। तो हेल्थ रिपेयर करने के लिए कोड क्या है? BFGTW किस हिसाब से होगा? दूसरा चीज क्या? फॉर्मेट यूनिवर्सल। उसका जीपी राइट कौन सी आईसी में नहीं होगा? सैमसंग की आईसी में नहीं होगा, क्योंकि सैमसंग की आईसी हेल्थ रिपेयर करने की तरीका अलग है, जीपी राइट से नहीं होता। दूसरी चीज, कोई भी आईसी में जीपी राइट कितनी बार कर सकते हो? एक बार। दोबारा नहीं कर सकते। ठीक है ना? ठीक है। उसके बाद टेस्ट करेंगे, फिर से टेस्ट करने के बाद मेरा हेल्थ सही होना चाहिए। अगर जीपी राइट करने के बाद भी मेरा हेल्थ सही नहीं हुआ तो आईसी को क्या करना पड़ेगा? ठीक है। अब उसके बाद मैंने लिखाया हूँ क्या सर? संडिक्स माइक्रो तोशिबा। उसके बाद किंगस्टोन। हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की। जिद्दी हूँ मैं।
मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत। इसको बिल काटते हैं। क्या नाम है आपका? संजय गुप्ता। संजय कहाँ से हैं आप? सिद्धार्थ नगर से, यूपी से। यूपी से हैं तो चलिए बात करें आज आपसे, पहले दिन से लेकर अभी तक की क्लास की बात करें आपसे, तो पहले दिन से लेकर अभी तक कैसा रहा आपका सफर? बहुत अच्छा था सर। बहुत अच्छा रहा जी सर। अभी मैं बात करूँ आज यूनिवर्सिटी की, आपकी तीसरे दिन की क्लास हुई है, तो ब्लैक स्टेट पे आप पहले दिन से काम नहीं किया, लेकिन अभी आपकी जब से यूनिवर्सिटी की क्लास चल रही है, तीसरे दिन की क्लास है, तो पर डे आप ब्लैक स्टेट पे काम कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, आज से कर दो, तीन दिन से कर रहे हैं। तीन दिन से कर रहे हैं, तो अगर पहले दिन ही ब्लैक स्टेट आपसे निकलवाते हैं हम, तो क्या इतने अच्छे तरीके से आप निकाल पाते हैं? नहीं 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 निकाल पाते। देखिए बेसिक से एडवांस लेवल पे जाने के लिए थोड़ा सा समय लगता है जी सर। तो आज मेरे ख्याल से 17-18 दिन के ऊपर क्लास हो गई आपकी जी जी। तो अभी आप एमएमसी स्किल के बारे में बात करूँ अगर, तो स्किल के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? हैंड स्किल के बारे में बहुत अच्छा है सर। ब्लैक स्टेट नहीं नहीं सर, कभी नहीं निकाले थे। और बात करें कि स्किल के साथ साथ आपकी यूएफआई की थ्योरी क्लासेस भी चल रही है, एमएमसी चल रही है, तो थ्योरी की बात करें अगर, तो थ्योरी की क्लास कैसी रही है? बहुत अच्छी थी सर। बहुत अच्छी रही जी। तो सर, ऐसा तो नहीं है कि कोई आपको यूएफआई का थ्योरी दी जाती हो और उसका प्रैक्टिकल ना करते हो आप? नहीं नहीं नहीं, सब प्रैक्टिकल करते हैं सर। प्रैक्टिकल करते हैं उसका जी। तो अब मैं बात करूँ कि कितना इंपॉर्टेंट है हार्डवेयर होना नॉलेज, और कितना इंपॉर्टेंट है सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना, और ये सारी चीज़ें मिला के आप एमएमसी में काम करते हैं जी सर। अगर आपको डेट से सब सीक्वेंस ना बताया जाए, डीसी की सीक्वेंस ना बताया जाए, तो आप क्या करते हैं उसमें? नहीं कर पाएंगे सर। तुम सब चेक सब ही आना चाहिए, तभी होगा। स्टार्टअप से लेके एडवांस लेवल जाने के लिए सारी चीज़ों का नॉलेज होना बहुत जरूरी है जी सर। तो डेट सेक्शन जो आपका देव सर के साथ में हुआ, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? बहुत अच्छा था सर, बहुत अच्छा रहा। डीसी की रीडिंग की अगर मैं बात करूं, तो डीसी की रीडिंग से आप पता लगा सकते हैं कि इसमें सॉफ्टवेयर करना है कि एमएमसी करना है? जी सर, पता लगा लेंगे। अभी आप क्या कर रहे हैं? एमएमसी निकाल रहे सर, ऐसी बोलते हैं ब्लैक पेस्टर था सर। ब्लैक पेस्टर निकाल रहे हैं तो जी जी ठीक है। अभी आपने एमएमसी को निकाल रखा है, तो आप सीपीयू को निकाल के बताइए जी सर, तो दिखा दे रहे हैं। स्किल के बारे में बताइए सर, निकाल दिए। सो यहाँ पर देखिए इन्होंने ब्लैक पेस्टर निकाल दिया। कोई प्रिंट गया क्या इसमें से? नहीं सर, ईमानदारी से बता रहे हैं, कोई प्रिंट नहीं गया। कोई प्रिंट नहीं गया, कोई प्रिंट नहीं गया। ये ब्लैक पेस्टर है या नॉर्मल आईसी है? ब्लैक पेस्टर है सर। ब्लैक पेस्टर। तो ओवरऑल कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा था सर। पहले दिन से लेके अभी तक की बात करें तो बहुत अच्छा था सर। बहुत बढ़िया था सर, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, थैंक यू। Yeah.
समझ सकते तुम्हारी भावना। बताइए कैसा रहा सफर आपका पहले दिन से लेकर अभी तक का? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया रहा। यस। तो अभी एमएमसी का आपका कितने दिन का क्लास हुआ? तीसरा दिन है सर। तीसरे दिन की क्लास में पहले दिन आपको क्या बताया गया था? पहले दिन आपको यूएफआई का इंटरफेस बताया गया था। यस सर। दूसरे दिन क्या बताया गया था आपको? प्रोग्रामिंग के बारे में, रीड करना, राइट करना, डंप बनाना, कौन से में क्रिटिकल फाइल होती है, कौन से में आपका नॉर्मल फाइल होती है, ये सब सारी चीज़ें बताई गई। आज आपका तीसरे दिन का क्लास हुआ है, तीसरे दिन के क्लास में आपको क्या बताया गया है? फाइल रीड करना, फाइल को प्रोग्रामिंग बताई गई, 90% बताई गई है सर। तो ओवरऑल में अगर मैं बात करूँ अभी आपसे, तो पहले दिन से लेके अभी तक का कैसा रहा सफर आपका? बहुत बढ़िया। ब्लैक टेस्टेड पे कैसा कर रहे हैं अभी काम? अभी तो अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। यस। तो अभी आप क्या बोलना चाहेंगे, जो डेड सेक्शन हुआ आपका देव सर के साथ में, तो अभी वो चीज़ काम में आ रही है कि नहीं आ रही है? बहुत काम में आ रही है। बेसिक रीडिंग से आप बता सकते हैं कि कौन से में सॉफ्टवेयर करना है, कौन सा हार्डवेयर करना है, किस पावर पे काम करना है, सारी चीज़ें बता पाएंगे? तो ओवरऑल कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, क्या बोलेंगे उनके लिए जो एसएटेल को हम ज्वाइन करना चाहते हैं, जो फ्रेशर स्टूडेंट हो, जिसको अच्छा सीखना है वो जरूर आए सर, आ सकता है? चलिए ठीक है, यहाँ पर एक बार और जूम करके दिखा देते हैं। इन्होंने ब्लैक पेस्टर निकाला है और किसी भी तरीके का कोई भी प्रिंट इनका नहीं गया, एनसी तक नहीं गया ना? नहीं। चलिए ठीक है, क्या कर रहे हैं अभी आप? ब्लैक पेस्टर, ब्लैक पेस्टर 90% कंज्यूम आपको बता दिया गया है। यस सर। पहले दिन से लेके अभी तक का सारा क्लास तुम में आया? यस सर। पहले दिन आपको यूएफआई का इंटरफेस बताया गया था? सर। अगर आप किसी ओके एमएमसी को रीड करते हैं तो क्या क्या एरर आपको देखने को मिलेगा, क्या सही है और क्या गलत है, अभी आप जज कर पाएंगे? यस सर। कर लेंगे। यस सर। तो अभी आपकी एमएमसी के तीसरे दिन की क्लास है, पहले दिन आपको इंटरफेस बताया गया, दूसरे दिन आपको डंप, रीड और राइट करना बताया गया, राइट? यस। और आज आपका तीसरे दिन की क्लास है तो आपको 90% कंज्यूम बताया गया है? यस सर। आपके सामने जो भी 90% कंज्यूम फोन थे वो सामने लाइव रिपेयर हुए? हाँ, हाँ, लाइव हुआ, लाइव हुए। तो ये सारी चीजें सारे बच्चों को समझ में आया है कि बस आपको? हाँ, सबको, सबको, सबको समझ में आया, सबको समझ। अगर वही चीज सर घर पे ले जाके बना देते और लाके बता देते कि ऐसे ऐसे करके बनाए, तो वो चीज सही होता क्या? ना सर, यही सही तो नहीं तो कभी नहीं होता, ये सामने अमल कर रहे, हमको सब समझ आ रहे कैसे होता है ना। तो ये चीज सर ने खुद से हाथ से किया या फिर स्टूडेंट ने किया? ना, सब स्टूडेंट ने, स्टूडेंट ने किया, सब स्टूडेंट ने किया। तीन दिन के क्लास में कैसे पॉसिबल है कि कोई स्टूडेंट प्रोग्रामिंग लेवल पे काम करने लग जाए? ये तो हमको तो लगता नहीं था, मगर ऐसे टेलीकॉम में सच ही है, पॉसिबल है, यहाँ पॉसिबल है। तो ओवरऑल तीन दिन के क्लास की अगर मैं बात करूँ तो हैंड स्किल, ब्लैक पेस्टेड पे हैंड स्किल की अगर मैं बस बात करूँ, क्योंकि देखिए आईसी पे तो काम आप पहले दिन से कर रहे हैं, बट ब्लैक पेस्टेड पे देखिए एक सीढ़ी होता है, जैसे कि आपको छत पे चढ़ना होता है तो स्टेप बाय स्टेप एक एक सीढ़ी चढ़ते हैं, या फिर एक बार में 10 सीढ़ी चढ़ते हैं? ना ना, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं। तो अभी आप ब्लैक पेस्टेड के लायक हो गए थे काम करने, तो अभी ब्लैक पेस्टेड पे काम करने में आसानी हो गई कि नहीं हो गई? बहुत 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 आसानी हो जाएगा। चलिए ठीक है, तीन दिन से आप ब्लैक पेस्टेड पे काम कर रहे हैं, तो कोई प्रिंट गया कि नहीं गया? नहीं सर। भाई देखो, अगर कोई प्रिंट चला भी जाए तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? सर तो डायग्रामेटिक भी, जंपर भी कैसे करते हैं, माइक्रो जंपरिंग सब बता दिया है। चलिए ठीक है, यहाँ पे आप ब्लैक पेस्टेड ईएमएमसी निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए इन्होंने आईसी को निकाल दिया है और ये ब्लैक पेस्टेड है। तो टोटल कितना टाइम लगा आपको? 2 मिनट लगा, 2 मिनट क्लीनिंग करने में, साइड कटिंग करने में और आईसी को उठाने में 2 मिनट लगा हुआ। यस सर। तो ओवरऑल अब मैं बात करूँ तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। चलिए ठीक है, क्या बोलेंगे जो आपको देख के एशिया टेलीकॉम ज्वाइन करना चाहते हैं? जरूर आए, नहीं तो कुछ कर नहीं पाएंगे, या आएंगे तो जरूर कुछ कर पाएंगे, तो बहुत कर पाएंगे। बात करें जो पहले दिन से लेके आपका 14 तारीख तक देव सर के साथ में जो क्लास हुआ उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? बहुत बढ़िया। और जो डेट सेक्शन हुआ आपका?
सब कुछ बढ़िया, अब तो अच्छा ही लग रहा है। अच्छा लग रहा है डेट, अगर कोई फोन आपके पास आ जाए तो उसको आप डायग्नोस कर पाएंगे? जरूर कर पाएंगे, कर लेंगे। यस सर। चलिए ठीक है, क्या बोलेंगे उनके लिए जो आपको देखते हैं सेटल को हम ज्वाइन करना चाहते हो? जरूर এখানে অবশ্যই আসুক, আমি চাইছি সব এই আসলে অবশ্যই এই কাজ সিওর তার কাছে 100% কাজ করে দেবে স্যার। 100% কাজ হবে, ওয়ার্কিং 100%। চলিয়ে ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने ब्लैक क्वेश्चन निकाल दिया है विद इन 2 से 3 मिनट। ओवरऑल मैं बात करूँ आपसे कि कैसा रहा क्लास पहले दिन से लेके अभी तक के बारे में, अगर मैं बात करूँ आपसे? बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया रहा। हाँ सर, सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि हार्डवेयर कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए? बहुत इंपॉर्टेंट सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना हार्डवेयर का आप कोई भी काम कर पाएंगे क्या? नो सर, हार्डवेयर के साथ साथ सॉफ्टवेयर भी बहुत जरूरी है। हाँ, हार्डवेयर के साथ देखिए कंप्लीट, इसीलिए कंप्लीट कोर्स देते हैं हम। देखिए हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर क्लियर नहीं होगा और सॉफ्टवेयर के बिना आपका EMMC क्लियर नहीं होगा, लेकिन देखा जाए तो एक मुट्ठी बनने के लिए तीनों जरूरी है, है कि नहीं? तो ओवरऑल मैं अभी बात करूँ आपसे तो EMMC की आपकी 3 दिन की क्लास हो गई है। पहले दिन में आपने इंटरफेस समझा था, दूसरे दिन में आपने डम्प बनाना और राइट करना सीखा था, तीसरे दिन आज आपका 90% कंज्यूम का कॉन्सेप्ट है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा सारी चीज़ें आपको? आ रहा है सर। क्या बोलना चाहेंगे देव सर के लिए जिसके साथ आपका, जिनके साथ आपका डेट सेक्शन हुआ था? बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद बोलना चाहेंगे? हाँ सर। तो डेट सेक्शन इम्पोर्टेंट है कि नहीं है? सर सब इम्पोर्टेंट। DC की रीडिंग से अब आप बता पाएंगे कि सॉफ्टवेयर नहीं? हाँ सर। चलिए ठीक है, ओवरऑल क्या बोलना चाहेंगे एशिया टेलीकॉम के लिए? थैंक यू। थैंक यू। चलिए ठीक है, वेलकम। क्या नाम है आपका? अहमद खान। अहमद खान, कहाँ से हैं आप? नागपुर। नागपुर से हैं, तो आप तो पास से ही हैं। जी सर। तो आप अहमद जी, आप दिल्ली क्यों नहीं गए? दिल्ली नहीं गए, यहाँ आ गए। क्यों आप दिल्ली क्यों नहीं गए? दिल्ली जाते तो मस्त घूम घूम के भी आते हैं। जी, यहाँ ठीक लगा तो यहाँ आ गए सर। यहाँ ठीक लगा आपको? जी सर। यहाँ पे क्या ठीक लगा आपको? सब चीज़ यहाँ, डिसिप्लिन वगैरह सब ओके। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो पहले दिन से लेके अभी तक का किसी भी कोई भी क्लास ऐसा है जिसमें आपको डाउट हो किसी भी तरीके का? नहीं सर, नो डाउट। कोई डाउट छोड़ा हमने आपको? नहीं सर। और अभी आपका 3 दिन से EMMC का क्लास चल रहा है, तो EMMC की क्लास के लिए क्या बोलना चाहेंगे? EMMC क्लास बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छा चल रहा है जी सर। और जो आपके साथ देव सर का जो क्लास हुआ जी, एक एक स्टेप बाई स्टेप एक एक सेक्शन आपको बताया गया, किसी भी सेक्शन में कोई भी डाउट है क्या आपको? नहीं, डाउट नहीं, क्लियर हो? कोई डाउट नहीं है? नहीं। जो भी क्लासेस हुए थे आपके उसका रिवीजन भी करवाया गया था? जी सर। डेट सेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है अगर आप कंप्लीट कर रहे हैं सॉफ्टवेयर हार्डवेयर EMMC कर रहे हैं कोर्स, तो डेट सेक्शन उसमें कितना इंपॉर्टेंट है? डेट सेक्शन मस्ट इंपॉर्टेंट है, मस्ट है, बहुत जरूरी है जी। तो बिना डेट सेक्शन का आप कोई भी फॉल्ट बना पाएंगे क्या? नहीं। डेट से रिलेटेड आ जाए या फिर सॉफ्टवेयर से डेट हो तो बिना डेट सेक्शन के आप रिपेयर कर पाएंगे? क्योंकि देखिए सीक्वेंस जो DC का सीक्वेंस होता है वो आपको डेट सेक्शन में ही बताया जाता है, या फिर पहले ही नहीं बताया गया? नहीं नहीं, बाद में बताया गया उसको जी। चलिए यहाँ पर आप तो क्या करने वाले हैं अभी? अभी EMMC निकाल दिया हूँ, ब्लैक पेस्टेड। अभी आप CPU निकालने वाले हैं जी? चलिए ठीक है, CPU निकालिए। ब्लैक पेस्टेड है या नॉर्मल? ब्लैक पेस्टेड है। ब्लैक पेस्टेड काम नहीं करता
देखिए इन्होंने सीपीयू ब्लैक पेस्टेड निकाल दिया है, कोई प्रिंट गया क्या इसमें? जरा ध्यान से देख के बताइए, कोई प्रिंट गया क्या? क्यों नहीं गया? क्योंकि आप पहले दिन से ही आईसी पे काम कर रहे हैं और ब्लैक पेस्टेड पे आप लगातार 3 दिनों से काम कर रहे हैं, तो ओवरऑल कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? ठीक रहा सर। ठीक रहा? क्या बोलेंगे उनके लिए जो आपको देख के एसेट लिखो हम ज्वाइन करना चाहते हो? आ सकते हैं। आ सकते हैं? पैसा वसूल है जी सर आपका? हो रहा है? हो ही रहा है। हो रहा है, चलिए ठीक है। यहाँ पर एक बार और दिखा देते हैं, ब्लैक पेस्टेड ने निकाला है जी। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। यस सर। क्या नाम है आपका? साई राम सर। साई राम जी, कहाँ से आप? उड़ीसा से। उड़ीसा से बहुत दूर से आप यहाँ आए। हाँ सर। तो जो चीज़ सोच के आप आए वो चीज़ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है सर, है? बिल्कुल मिल। अभी आप हैंड स्किल पे काम कर रहे हैं, ब्लैक पेस्टेड पे? ब्लैक पेस्टेड पे, ब्लैक पेस्ट पूरा कट के आऊँ। अभी मैं MMC उठा रहा हूँ यहाँ से, बोर्ड से। 3 दिन से लगातार आप ब्लैक पेस्टेड पे काम कर रहे हैं? हाँ सर, बिल्कुल। चलिए ठीक है। और बात करें 3 दिन से MMC की भी क्लास चल रही है, हाँ थ्योरी की? हाँ। तो थ्योरी सारी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पूरी समझ में आ रही है, बहुत अच्छा से समझा रहे हैं। जो भी चीजें हैं प्रैक्टिकल में मिल रहा है नहीं मिल रहा? हाँ सर, बिल्कुल मिल रहा है, प्रैक्टिकल में मिलन से बहुत अच्छा से पढ़ा रहे हैं। सर आपका पहले दिन से लेके अभी तक बहुत बढ़िया लगा सर, बहुत बढ़िया रहा। हाँ, जैसा सोच के आप आए थे, जैसा सोच के आप इसी टाइम ज्वाइन किए, वो सारी चीजें आपको मिली कि नहीं मिली? बिल्कुल सर, बिल्कुल मिल रहा है, सब चीज एंड लेवल तक मिल रहा है सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। पैसा वसूल जैसा कि बोलते हैं, वसूल डेड सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो किसके साथ हुई थी आपकी डेड सेक्शन? देव सर के साथ हुई थी। डेड सेक्शन होना बहुत इम्पोर्टेंट सर, सब अगर कोई मार्केट में कोई भी डेड कर देगा तो उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करना है सॉल्यूशन, और केस स्टडी कैसे करना है, और एक एक स्टेप कैसे जाना है वो सब बताया था। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। पैसा वसूल है कि नहीं? वसूल वसूल आपका हो रहा है? हो रहा है सर। चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? बाबूराम चौधरी। बाबूराम चौधरी, आप नेपाल से हैं? जी सर। तो नेपाल से बहुत दूर आप इंडिया आए, आप चाहते तो दिल्ली भी जा सकते थे, मुंबई भी जा सकते थे, गुजरात जा सकते थे, भोपाल जा सकते थे, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है आप वहाँ जा सकते थे, बट आप यहाँ क्यों आए? जबलपुर मध्य प्रदेश जो जी, यहाँ का जो पढ़ाने का स्टाइल, तरीका, ट्रिक वो बहुत अलग है, और दूसरी कोई भी इंस्टीट्यूट में नहीं है। नहीं है? ये जो आप काम कर रहे हैं ब्लैक पेस्टेड पे, ये फ़ोन चालू है या फिर बंद है? अभी तो अब इसको निकाल के लगाना है, उसके बाद। फोन चालू है कि बंद है? अभी तो बंद है, बंद इसका है? फॉल्ट था। क्या फॉल्ट था? ये MMC का फॉल्ट है, इसको निकाल के रिबूट करके प्रोग्राम करेंगे। प्रोग्राम करेंगे तो प्रोग्रामिंग आपको बताया गया इतनी पहले दिन सर? आप बताइए, पहले दिन आपको UEFI का इंटरफेस बताया गया था, दूसरे दिन आपको डंप रीड करना और राइट करना बताया गया था? आज राइट भी किया, और सर ने हमारे सामने 3-4 फोन भी ऑन करके दिखा, राइट करके। तो 90% कंज्यूम का जो प्रॉब्लम है आपने सारे लोगों ने देखे? जी सर, जी सर। ब्लैक पेस्टेड आप निकाल रहे हैं तो कितने दिन से आप ब्लैक पेस्टेड पे काम कर रहे हैं? सर यहाँ पर आगे कर रहा हूँ सर, इससे पहले करता था तो सारे के सारे प्रिंट चला जाता था, और अब? अभी नहीं जा रहा सर। अभी नहीं जा रहा है? जी सर। तो यहाँ पे अपने साइड कटिंग कर लिया है? जी सर, साइड कटिंग। चलिए ठीक है। अभी आप क्या करने वाले हैं, MMP उठाएंगे? जी सर। इसके बारे में हीट एयर कितना रखना है सारा चीज़ आपको सर ने बताया? सर मालूम है, बताया सर, बताया सर ने। वेरी गुड। सो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इन्होंने MMC को उठा दिया है, और एक भी प्रिंट नहीं गया है मेरे ख्याल से देखा जाए तो, MMC तक नहीं गया है ना? जी सर, नहीं गया। तो कहाँ कैसे पॉसिबल है कि आपको इतने जल्दी आप ब्लैक पेस्टेड पे इतने अच्छे तरीके से जो काम कर रहे हैं? जो सर यहाँ के जो सर ने ट्रिक दी है, आइडिया दिए, उसी की वजह से ये सब हुआ है सर। तो कितना इम्पोर्टेंट है
पहले दिन से लेके अभी तक ब्लैक पेस्टर पे काम करना, अगर मैं बोलूँ पहले दिन ही आपसे ब्लैक पेस्टर निकलवाएं तो आप निकाल पाएंगे क्या इतने तरीके से? नहीं सर, प्रॉपर तरीके से नहीं निकाल पाएंगे। जो ट्रिक यहाँ दिया सर ने देता है उसी के वजह से निकाल पा रहा हूँ सर। तो और कैसा रहा क्लास पहले दिन से लेके अभी तक का? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। पैसा वसूल जैसा कि बोलते हैं, पैसा वसूल है जी सर। डेट सेक्शन आपका किसके साथ हुआ था? देव सर के साथ। देव सर के साथ, तो डेट सेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है? डेट सेक्शन ये एमएमसी सेक्शन सब इक्वल है, डेक सेक्शन पता नहीं चलेगा तो ईएमसी निकाल के कुछ भी नहीं होगा। और सॉफ्टवेयर की क्लास अगर आपको ना दी जाए तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से सीपीयू में कौन सा प्रोग्राम फाइल आता है? जी सर, तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगनी है जी सर, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट। तो आपको ऐसा तो नहीं है पहले दिन से ही आपको ईएमसी पढ़ा रहे हैं? नहीं 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 सर, स्टेप बाय स्टेप बताया गया ना, वो पढ़ाने का जो स्टाइल है तरीका है और किसी भी इंस्टीट्यूट में ऐसा नहीं मिल रहा, यहाँ स्टेप बाय स्टेप नॉलेज दी जाती है। चलिए ठीक है, ओवरऑल क्या बोलेंगे जो आपको देख के नेपाल से आना चाहें? बेशक आ सकते हैं, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। पैसा वसूल है? पैसा वसूल। ऐसा तो नहीं है कि आपकी बात पे भरोसा करके आया और उनका पैसा नहीं सर, हम खुद अपने आप से मैं कर रहा हूँ, इससे पहले भी मैं काम करता था, मगर इतना कॉन्फिडेंट के साथ नहीं निकाल पाता था, नहीं कर पाता था, यहाँ के आने के बाद ही ये सब पॉसिबल हुआ। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? सुमित भंडारी। सुमित भंडारी, आप भी नेपाल से हैं? जी सर, नेपाल से। तो नेपाल से हैं, तो एक बार बताइए इतनी दूर इंडिया आए आप, तो जो चीज़ सोच के आप आए वो चीज़ आपको मिला कि नहीं मिला? मिला सर। मिल रहा है? मिल रहा है। तो अभी की अगर मैं बात करूँ तो आप ब्लैक पेस्टर पे काम कर रहे हैं? यस सर। तो ब्लैक पेस्टर पे काम करके कैसा लग रहा है? एकदम इजी लग रहा है सर, मुझे लग रहा है पॉजिटिव एनर्जी है कि नहीं है? यस सर। जो चीज़ सोच के आप आए वो चीज़ आपको मिल रहा है कि नहीं? मिल रहा है सर। मिल रहा है, जस्तों सोच रहा है तो बंदा हजार गुना बॉडी मिल रहा है। ठीक है, अभी आप ब्लैक पेस्टर पर काम कर रहे हैं? यस सर। इजी हो गया कि नहीं? यस सर, इजी हो गया। तो ओवरऑल कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका सुमित जी? एकदम राम रोला गया, राम रोला गया। हाँ, तो अभी मैं बात करूँ पहले दिन से लेके अभी तक का कैसा रहा रिस्पांस, जो चीज़ आपको बताया गया है कोई भी ऐसा सेक्शन जिसमें आपको डाउट हो? नहीं सर, कोई डाउट नहीं, डाउट है ना, राम रोला राम रोला। डेट सेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है? एकदम इम्पोर्टेन्स, एकदम जरुरी छ डेट सेक्सन भनेको। डेट सेक्सन बिना तपाईँको मोबाइल बनाउन सकिँदैन, तो एकदम राम्रो नलेज हुनुपर्छ त्यसमा। क्या बोल्न चाहेंगे जो आपको देख के एसिया टेलिकम जोइन गर्न चाहते हो? यहाँ आउन सक्नुहुन्छ, यहाँ एकदम राम्रो छ पढाउने, जुन एसिया टेलिकमको टिमको एकदम राम्रो, जिरोबाट एकदम 99% हुन्छ, यहाँनिर आउन सक्नुहुन्छ सर। पैसा वसुल है कि नहीं? 100% हो। क्या बोल्न चाहेंगे देव सर के लिए? देव सर के लिए तो एकदम बढ़िया। और क्या बोलना चाहेंगे उनकी टीम के लिए? टीम के लिए एकदम धन्यवाद सर। ऐसा कोई टीचर आपको मिला जो डाउनग्रेड हो? नहीं 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 सर, नहीं सर, इतना नॉलेज ना रखता हो? नहीं नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। क्रेडिट कार्ड है वो उसी को मिलेगा जिसका है? कहाँ देते हैं सर? जिसका होता है उसी को देता है। क्या नाम है आपका? जीवन सर। जीवन, अभी आपका कितने दिन का क्लास हुआ? हाँ सर, यूएमसी का तीसरा दिन है सर। यूएमसी का तीसरा दिन, पहले दिन से आप ब्लैक पेस्टर पे काम कर रहे हैं?
जी सर। तो ब्लैक पेस्टेड अभी निकालने में कोई दिक्कत आ रही है? नहीं सर। कोई सा भी प्रिंट निकल रहा है आपसे? नहीं सर आज नहीं। अभी आप कौन सी आईसी निकाल रहे हैं? अभी सर सीपीयू निकाल रहा हूँ। सीपीयू निकाल रहे हैं, बगल में जो निकला है वो क्या कौन सा आईसी? ईएमसी। अभी आप ईएमसी का ब्रांड, आप ईएमसी को देख के उसका ब्रांड बता सकते हैं? जी सर। किस ब्रांड का ईएमसी है? जी सर। और ईएमसी देख के आप ये बता सकते हैं कि कौन सा ईएमसी डैमेज निकाल सकता है, कौन सा ईएमसी डैमेज नहीं निकाल सकता? हाँ सर। आई स्कैन बताया गया आपको? जी सर पूरा बताया गया है सर। पूरा बताया गया। पहले दिन आपको यूएफआई का इंटरफेस बताया गया, तो ऐसा कोई इंटरफेस में कोई भी ऐसा लाइन है जो आपको ना समझ में आ रहा हो? नहीं सर पूरा क्लियर है सर। दूसरे दिन आपको रीड राइट करना और आपको डंप रीड राइट करना बताया गया? जी सर। कौन कौन सी फाइलें सीपीयू में इंपॉर्टेंट, सॉरी कौन सी सीपीयू में कौन सी फाइल इंपॉर्टेंट होती है ये बताया गया आपको? जी सर। सिक्योरिटी फाइल के बारे में? जी जी। तो अभी का जो आज तीसरे दिन का क्लास है, तो आज 90% कंज्यूम का क्लास था? जी सर। तो ये आपको समझ में आ गया? आया सर। आ गया समझ में? तो आपके सामने लाइव फोन रिपेयर हुए कि नहीं हुए? हाँ सर हुए। हुए हैं? जी सर। चलिए ठीक है। अभी आप सीपी निकाल रहे हैं, व्हाइट पेस्टेड है या ब्लैक पेस्टेड है? ब्लैक पेस्टेड है सर। ब्लैक पेस्टेड है। बाय द वे अगर कोई प्रिंट चला जाए तो आप उसको रिपेयर कर पाएंगे कि नहीं? जी सर। उसके लिए आपको माइक्रो जंपरिंग बताया गया? जी सर बताया गया सर। अगर मैं बूट सीक्वेंस की बात करूं तो डेड सेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत ज़्यादा सर। बहुत इंपॉर्टेंट है जी सर। डेड का जो क्लास हुआ था किसके साथ हुआ था? देव सर के साथ हुआ था सर। देव सर के साथ। तो क्या बोलेंगे देव सर के लिए, जो डेड सेक्शन आता है, मोबाइल आते हैं, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ तक लेके जाना है, एंड कहाँ तक करना है, इस सारी चीज़ें सर ने बताई जी सर। तो क्या बोलना चाहेंगे उनके लिए? सर डेड बहुत इंपॉर्टेंट है सर। इंपॉर्टेंट है जी सर। बाकी सेक्शन किसके साथ हुआ था? उन्हीं के साथ हुआ था सर। उन्हीं के साथ जी सर। तो सेक्शन वाइज जो भी चीज़ें सर ने बताई आपको समझ में आ गया? आया सर। आ गया जी सर। टूट गया सर। दीपक सर यहाँ पर देखिए इन्होंने आईसी को निकाल लिया है। तो ओवरऑल कैसा रहा? बहुत बढ़िया था सर। अनुभव बहुत अच्छा था सर। बहुत बढ़िया रहा जी सर। क्या बोलना चाहेंगे इसे टेलीकॉम के लिए? बहुत अच्छा सर। पहले दिन से लेकर अभी तक जो चीज़ सोच के आप आए थे सीखने, वो चीज़ आपको मिल रहा है? नहीं मिल रहा है सर। मिल रहा है सर। पैसा वसूल, जैसा कि हम बोलते हैं पैसा वसूल है कि नहीं? हाँ सर है। आपका हुआ? हो रहा है। यहाँ पे बैठा कोई ऐसा स्टूडेंट है जो ब्लैक पेस्टेड ना निकाल पाया आईसी? कोई सा भी सीपीयू दे दे, पावर दे दे, ईएमसी दे दे? सभी निकाले हैं सर। सब निकाले हैं जी सर। तीन दिन से लगातार निकाल रहे हैं जी सर। कोई भी ऐसा थ्योरी क्लास जो आपको प्रैक्टिकल में ना मिला हो? सभी मिला है सर। सब मिला है जी सर। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक कुमार। दीपक कहाँ से हैं आप? झारखंड से जी। झारखंड से। झारखंड से हैं। अभी आपको एस टी टेलीकॉम ज्वाइन करने के बाद कोई भी ऐसा क्लास जो आप डाउट में हैं? नहीं सर। कोई भी सेक्शन आपको समझ में ना आया हो? नहीं सब आ गया। ऐसा कोई सेक्शन हुआ है जिसका थ्योरी मिला हो प्रैक्टिकल ना हुआ हो? सबको मिला सर। सबसे पहले मैं बात करूँ, आज आपका ईएमसी का तीसरे दिन का क्लास है, तो पहले दिन से लेके तीसरे दिन की क्लास की बात करूँ अगर, तो कैसा रहा आपका अनुभव? बहुत अच्छा रहा सर। बहुत बढ़िया रहा, अच्छा रहा जी सर। और बात करें स्किल की, तो आप हैंड स्किल पे कितने दिनों से काम कर रहे हैं? पहले दिन से ही कर रहे हैं। तो अभी आप यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये ब्लैक पेस्टेड आईसी निकाल रहे हैं, तो थोड़ा सा जूम करके दिखा देते हैं। इसमें पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन कोड कितना लिखा हुआ है? ये ब्लैक पेस्टेड है, नॉर्मल है? ब्लैक पेस्टेड है सर। हमने कोई भी ऐसा बोर्ड बताया है जो जिसका हार्ड ग्लू होता है वीवो को, हमने कुछ बताया क्या? नहीं। हमने आपको बस इतना बताया ट्रिक दिया कि ये ब्लैक पेस्टेड होता है, ये नॉन पेस्टेड होता है जी, है ना जी, और ये व्हाइट पेस्टेड होता है जी। हमने कुछ बताया क्या कि वीवो में हार्ड आता है, ओप्पो में हार्ड आता है, रियलमी में हार्ड आता है, वन प्लस में हार्ड आता है, ऐसा कुछ बोला है? नहीं सर नहीं बोला है। क्योंकि देखिए हैंड स्किल के ऊपर डिपेंड करता है, आपके सहन शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये ब्लैक पेस्टेड आईसी निकाल रहे हैं, ईएमएमसी है या सीपीयू है? ईएमएमसी है। ईएमएमसी है। अभी आपको ईएमएमसी और सीपीयू का पहचान है कि नहीं है? है सर। बोर्ड देखने का नज़रिया से अगर मैं बात करूं तो बोर्ड देख के आप बता सकते हैं कि कौन सा सीपीयू लगा है, तो कौन सा इसमें आरएफ लगा होगा, कौन सा पावर लगा होगा, ये सब सारी चीज़ें बता पाएंगे नहीं? हाँ सर बता सकते हैं। तो जो बोर्ड देखने का नज़रिया था सर ने, देव सर ने बोला था कि बदल देंगे, तो बदला कि नहीं बदला? जी जी बदल गया। बदल गया जी सर। कोड कितना है? ये ठीक है। यहाँ पे आप ब्लैक पेस्टेड निकाल रहे हैं, निकालिए।
मीडिया टेबल कोड कितना आता है? यहाँ पर देखिए इन्होंने एसी को निकाल दिया है, थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं हम यहाँ पे। तो बताइए इसको क्लीनिंग प्रोसेस में कोई दिक्कत आएगी क्या आपको? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दीपक, अगर मैं पूछूँ आपसे कि कैसा रहा डेड सेक्शन देव सर के साथ में, जो आपका क्लास हुआ देव सर के साथ में डेड सेक्शन? जी सर। कैसा रहा क्लास? बहुत अच्छा रहा सर। बहुत अच्छा रहा? जी सर। बिना डेड सेक्शन का आप कोई काम कर सकते हैं क्या? नहीं सर। सॉफ्टवेयर पे या फिर ईएमएमसी पे? नहीं सर। क्योंकि देखिए डीसी से ही आप कंपेयर कर पाएंगे, रीडिंग से ही क्लियर कर पाएंगे कि इसमें आपको कहाँ काम करना, सॉफ्टवेयर करना, हार्डवेयर करना, ईएमएमसी करना। जी सर। तो ओवरऑल क्या बोलेंगे एशिया टेलीकॉम के लिए? बहुत अच्छा बोलेंगे। क्या बोलेंगे देव सर के लिए आप? बहुत अच्छा सर। कौन सा चीज बोलिए? बहुत अच्छा सर। बहुत अच्छा जी सर। ये ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है आपका? सर संदीप नाम। थोड़ा सा इधर देखिए, क्या आज आपका यूनिवर्सिटी कितने दिन का क्लास हुआ? सर तीसरा दिन है। तीसरे दिन के क्लास में आप पहले दिन से आईसी पे काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे? जी सर। इसके पहले आप कभी आईसी पे काम करते थे? नहीं नहीं सर। नहीं करते थे सर। और अभी क्या करते हैं? अभी सर टेस्टेड आईसी कर रहे हैं। टेस्टेड आईसी कर रहे हैं, यानी नॉर्मल आप आईसी कर चुके हैं? सर नॉर्मल करते थे लेकिन इतना मतलब सही नहीं कर पाते थे, इतना तरीका नहीं, ट्रिक नहीं पता थी तो बराबर सही हो नहीं पाता था, लेकिन अब ट्रिक पता है तो एकदम परफेक्ट होता है। परफेक्ट हो रहा है। तो अभी आप ब्लैक पेस्टेड पे काम कर रहे हैं, तीसरे दिन की क्लास है आपकी। हाँ सर। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये कौन सा रेडमी का कौन सा फोन है? ये नाइन ए है। तो अभी आप इसका क्या निकालने वाले हैं? सीपीयू निकालेंगे। चलिए ठीक है, निकालिए सीपीयू। तो ओवरऑल मैं बात करूँ की अभी आप सीपीयू कोई भी फोन का सीपीयू अगर आप निकाल रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए की सीपीयू क्यों निकाल रहे हैं। अगर आप ईएमएमसी पे काम कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए क्यों आप ईएमएमसी पे काम कर रहे हैं। पावर पे अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि पावर पे मतलब कोई भी आईसी पे अगर आप काम करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या नहीं हो रहा है, कि
आपको ऐसा करना पड़ा। इसके लिए सर सबसे पहले तो डेड सोल्यूशन मतलब प्रॉपर सेक्शन एकदम प्रॉपर तरह से मतलब समझ में आना चाहिए, सारा सेक्शन आपको पता होना चाहिए। आपको ग्राफिक्स से रिलेटेड दिक्कत रहेगा तो आप पावर पे काम थोड़ी ना करेंगे, वो सब मतलब जानकारी के हिसाब से करना पड़ता है, जानकारी के हिसाब से करना पड़ता है। तो ये सारी सेक्शन के बारे में अगर मैं पूछूं आपसे तो कैसा रहा सेक्शन, किसके साथ में हुआ था? सर देव सर के साथ हुआ था और प्रॉपर जो भी बताया सर एकदम प्रॉपर बताया। यस सर। तो कैसा रहा डेट सेक्शन, बिना डेट सेक्शन का आप कोई ईएमएमसी पे काम कर पाएंगे? नहीं सर, क्योंकि डीसी का सीक्वेंस किसने बताया आपको? सर डीसी का सीक्वेंस देव सर ने बताया। तो अब सबसे बड़ी बात तो सर डीसी का सीक्वेंस होता है, बिना डीसी का आप कोई भी हार्डवेयर पे काम कर पाएंगे डेट से रिलेटेड? नहीं सर, वही है डीसी से थोड़ा कंफर्म हो जाता है कि हाँ कहाँ से क्या फॉल्ट हो सकती है, उससे जो है इस हिसाब से बता दिया है देव सर ने कि हमको दिमाग में बैठा लिया है कि कोई अदर सेक्शन छूना ही नहीं है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या बोलेंगे देव सर के लिए? सर देव सर के लिए तो एकदम बेस्ट है सर, और जो आना चाहते हैं आ सकते हैं। और उनकी टीम के लिए क्या बोलना चाहते हैं? टीम तो सर और भी बढ़िया है सर। ऐसा कोई टीचर आपको यहाँ पे मिला जो डाउनग्रेड हो? नहीं नहीं सर, ऐसा कोई नहीं। नॉलेज यहाँ रखता हो? नहीं, सारे सेक्शन अलग हैं और जिस हिसाब से सेक्शन अलग है उसी हिसाब से टीचर हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। और इसके बाद ऐसी न्यूज आ रही है कि मतलब आपको नॉलेज के साथ साथ थोड़ा बाल भी बड़े हो गए आपके? अब सर यहाँ पे आ गए बाल तुम्हारे, ज्यादा आ गए। यूपी में तो बाल नहीं आ रहे थे, तुम्हारे यहाँ बाल आ गए। अब ये चीज तो नहीं बता सकते सर। चलिए ठीक है। क्या नाम है आपका? अजय कुमार चौधरी। कहाँ से हैं आप? नेपाल से। नेपाल से आप इतने दिन इंडिया आए, आप तो अभी आप क्या करने वाले हैं? अभी ब्लैक प्रेस्टीज आईसी। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कोई भी आईसी पर काम करने के लिए आपको क्या नॉलेज होना जरूरी है? बोर्ड का नॉलेज होना चाहिए पहले तो, सब बोर्ड का नॉलेज होना चाहिए, सीपीयू का नॉलेज होना चाहिए और हार्डवेयर का नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो अभी अगर आप इस पे ईएमएमसी निकालने वाले हैं तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि ईएमएमसी का क्या रीडिंग होता है, क्यों करते हैं आप ईएमएमसी पे काम है? जो हमारा पास एक डेट वाला आया उसके बाद उसको चार्जर यूएसबी में कनेक्ट करेंगे, उसके बाद पोर्ट बना रहा है, ऑटो पोर्ट बना है तो एमएमसी में सॉफ्टवेयर कर एमएमसी खोल के उसको रीड आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद प्रोग्रामिंग करना है। चलिए ठीक है, तो आप निकालिए यहाँ पे आईसी जो निकाल रहे थे निकालिए। हेलो सो यहाँ पर देखिए इन्होंने ब्लैक पेस्टेड निकाल दिया है विद इन 2 से 4 मिनट में। तो एक बात बताइए कि अभी आपको ब्लैक पेस्टेड कोई से भी बोर्ड पे अगर बोलू काम करने के लिए तो आप कर पाएंगे? यस सर, कर पाएंगे। कर पाएंगे सर। अभी की बात करें अगर हम आपसे तो सीपीयू ईएमएमसी पावर सेकंड पावर का नॉलेज आपको पहले से था? नहीं सर, यहाँ आके पता चला। डेट सेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोलेंगे देव सर के लिए आप? देव सर का बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, अच्छा अच्छा ट्रिक से पढ़ाते हैं, उसके पढ़ाने का तरीका और इंट्रोड्यूस
इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन से बहुत फर्क है। चलिए ठीक है, और यहाँ के जो सर के टीम है, टीम मेंबर हैं, उनके लिए क्या बोलेंगे? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। हाँ सर, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक, क्या नाम है? मेरा नाम अनिल सिंह। अनिल सिंह, आप नेपाल से हैं? हाँ सर। आज आपका ईएमएससी का तीसरे दिन का क्लास हुआ? हाँ सर। तो अभी आप क्या करने वाले हैं? पेस्टेड आइसिंग निकाल रहे हैं। पेस्टेड आइसिंग निकालने वाले हैं, तो यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हैं सारे बच्चे निकाल रहे हैं पेस्टेड आइसिंग? हाँ सर। चलिए ठीक है, आप भी निकालिए। आप लोग कटिंग करके रख लीजिए, कटिंग कर लीजिए साइड साइड, तो डायरेक्ट निकाल लीजिए। ये व्हाइट पेस्ट है या ब्लैक पेस्ट है? व्हाइट पेस्ट है। व्हाइट पेस्ट है। व्हाइट पेस्ट और ब्लैक पेस्ट में अंतर पता है आपको? हाँ सर। क्लीनिंग में क्या प्रोसेस करना है, क्या हीट रखना है, क्या एयर रखना है, ये सब सारी चीज़ें बताई गई आपको? कब आपको रीसोल्ड करना है, कब डीसोल्ड करना है, ये बताया गया आपको? हाँ सर। अभी आपको ईएमएमसी का 3 दिन का क्लास हुआ, तो आप डेली हैंड स्किल पे काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? हाँ सर, डेली कर रहे हैं सर। कर रहे हैं, तो जो भी प्रोसेस है, जो थ्योरी हो रहा है, उसका प्रैक्टिकल भी मिल रहा है आपको? हाँ सर। क्या बोलेंगे देव सर के लिए, जिनके साथ आपका डेड सेक्शन हुआ? सर बहुत अच्छा डेड सेक्शन हुआ सर, देव सर के साथ हुआ। डायग्नोस के बिना आप कोई काम कर पाएंगे? नहीं नहीं, या फिर ईएमएमसी? नहीं 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 सर, नहीं। डेव डायसन करना पड़ेगा, इसके बाद ईएमएमसी सॉफ्टवेयर। तो ओवरऑल पैसा वसूल है कि नहीं? हाँ सर, आपका हो रहा है 100%। चलिए ठीक है। ब्लैक पेस्टेड पे आप पहले कभी काम किए थे? हाँ सर, 2 दिन किए, आज सर व्हाइट पेस्टेड। अभी आप यहीं पे किए? आपने घर पे कभी काम करते थे? नहीं 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 सर, कभी खोला भी नहीं था सर। कभी नहीं खोला था आपने, तो अभी आप खोल लेंगे यहाँ से जाने के? हाँ सर। चलिए ठीक है, किसी तरीके का कोई डर तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं। चलिए ठीक है, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एशिया टेलीकॉम की फेसबुक लाइव। मैं हूँ मिलन और एशिया टेलीकॉम के इमरजेंसी प्रोग्रामर। हमारे साथ हैं दीपक सर, अनिल, और हमारे साथ में है 28 अगस्त। अच्छा, कौन कौन लाइव है? हम सब। सब? यस सर। अच्छा, क्लास कितने बजे से शुरू हुआ था? 12 बजे। यस सर। 12 बजे। टाइम कितना हो रहा है? 9 बजे। ब्रेक कितने मिनट का मिला था? 15 मिनट। 15 से 20 मिनट का मिला था? यस सर। बाकी टाइम क्या कर रहे थे? प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल। यस सर। अच्छा, ये आज की कौन सी क्लास थी आप लोगों की? कौन सा दिन की क्लास? तीसरे दिन की क्लास। तीसरे दिन की क्लास में हमने हेल्थ रिपेयर सीखे। अच्छा, लाइव देखे कि नहीं देखे? कितने सारे फोनों की? 3-4 फोन, 5-6 फोनों की देखे? सारे काम हुआ है कि नहीं हुआ? हुआ है। आप कर पाओगे? कौन कौन कर पाओगे, हाथ उठाने जरा। अच्छा, आज की कोड क्या था बताओ ना जरा सा। BFGTW। ये BFGTW अगर याद रखेंगे तो क्या हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ये कोड से कितना आसानी मिला आपको? चले, अब मैं बात करूंगा पेस्टेड आईसी में। पेस्टेड आईसी में कैसा काम चल रहा है आज? हैंड स्किल बढ़ा है?
आगे तो और भी आपको तरीका बताना है कि पेस्टेड की, और भी बहुत सारे तरीका बताएंगे पेस्टेड की। अभी तो दो तरीके हैं, एक आयरन की तरीके से बताएं और एक स्क्रैपर की तरीके बताएं, और भी आगे बहुत सारे तरीके बताएंगे, है ना। यस सर, इंप्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। अच्छा, सभी लोगों को एक ही बात पूछूंगा, डे वन से लेके अभी तक कभी ऐसा फील हुआ है कि पैसा बर्बाद हुआ है? नहीं सर। पैसा वसूल है कि नहीं है? यस सर। अच्छा, और दूसरी बात, डे वन से अभी तक ऐसा कभी भी लगा है कि टीचर भागने में लगा हुआ है? नहीं सर। ऐसा नहीं सर कुछ कि भागने में लगा हुआ टीचर आप हम हो या ना हो? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ है क्या? नहीं सर। दूसरी बात मैं बोलूंगा कि आपकी डे वन से लेके आज तक जो क्लास चली है, सबसे पहले आपको देव सर मिले? यस सर। हार्डवेयर में, डायग्राम में, सब में कैसा रहा ये सफर? बहुत बढ़िया। दूसरे सेकंड स्टेप में आपको प्रैक्टिकल में दीपक सर मिले और एमडी सर मिले, कैसा रहा प्रैक्टिकल? बढ़िया। तो तीसरी बात ये है कि सर उसके बाद सॉफ्टवेयर की क्लास हुए, सॉफ्टवेयर की क्लास कैसा रहा? अब तीसरे दिन की ईएमएमसी की क्लास, तीन दिन की क्लास कैसा रहा? बढ़िया सर, एकदम। स्टूडेंट से एकदम पीछे एकदम आने जाऊंगा, क्या नाम है आपका? आ जाओ। आओ, जम्मू कश्मीर। क्या नाम है आपका? साइरम सर। मेरा साइरम। कहाँ से है? उड़ीसा से सर। उड़ीसा से आप? उड़ीसा कहाँ से आप? उड़ीसा बरहमपुर। बहरमपुर डिस्ट्रिक्ट। बहरमपुर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा बताइए कि आप कितने दिन से इस लाइन में काम कर रहे हैं? नहीं सर, मैं बिल्कुल फ्रेशर हूँ। अच्छा, फ्रेशर है। आज हमने एमएमसी प्रोग्राम किए हैं। हाँ सर। खुद किया हाथों से? हाँ सर। ओपन चालू हुआ है? नहीं, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम आप किया था जो है वो चालू हुआ था सर। आप जो लाइव दिखा था वो सब चालू हुआ था? सब हुआ था। ठीक है, बाकी दूसरी बात करूँ अगर मैं कि पेस्टेड आईसी में कैसा चल रहा है सर? बहुत बढ़िया सर, पेस्टेड आईडी, मतलब मेरे को आइडिया ही नहीं था, आप जो तरीका सिखाया था वो अच्छा लगा सर। ईएमएमसी प्रोग्रामिंग कर पाएंगे कि नहीं? बिल्कुल कर पाऊंगा। बिल्कुल ईएमएमसी की मैं और बात बोला, प्रोग्रामिंग तो दूर की बात है, सबसे बड़ी बात होता है फाइंड आउट करना ईएमएमसी से प्रॉब्लम है कि या नहीं, कब मुझे सीपीयू रिवॉल्व करना है, कब मुझे डबल डेकर रिवॉल्व करना है, कब मुझे प्रोग्रामिंग करना है, ये सब पता है? पता है, ये सब क्लियर है? बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है। यस। आने वाले उड़ीसा से आपकी अगर वहाँ से स्टूडेंट आना चाहे तो क्या बोलना चाहेंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल आना चाहिए और इतना बहुत नॉलेज लेके ही मोबाइल रिपेयरिंग करना चाहिए, तभी जाके वो नॉलेज की, विदाउट नॉलेज उन लोग करेगा तो प्रॉब्लम ही आएगा उन लोग के, पूरा लाइफ पूरा एरर से आएगा। तो देखिए, तो आप मोबाइल के फील्ड में तो बिल्कुल फ्रेशर हैं, बिल्कुल ठीक है ना, लेकिन आपने काम सीखा यहाँ पे। हाँ, आपके अंदर डेडिकेशन थी, काम सीखने का हुनर हाँ, था, तो आपने काम सीखा। हाँ, तो आपको, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कितने परसेंट आपने काम सीखा है? नहीं सर, मैं तो अभी जो भी आप लोग यहाँ पे बताया था सब कुछ मैं बहुत अच्छा तरीका से सीखा, मतलब उसको जाके मैं इम्प्लीमेंट करूँगा और आगे जाके देखता हूँ कितना मेरे तरफ से हो रहा है, नहीं तो ऑलवेज अपडेट होने के लिए फिर से एशिया टेलीकॉम में आ सकता हूँ। बिल्कुल आ सकता हूँ सर, और भी अपॉर्चुनिटी है। अगर कोई फ्रेशर स्टूडेंट आपको देख के आना चाहे तो उसके लिए क्या बोलेंगे? बिल्कुल आना है सर, आना है, हाँ सर, आप सीख सकते हैं। तो आपको क्या लगता है जो फ्रेशर है वो आएगा सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा सर, सीख पाएगा। चलिए ठीक है, पहले दिन से लेके अभी तक की क्लास की अगर मैं बात करूँ तो कोई भी कंफ्यूजन? नहीं सर, बिल्कुल कंफ्यूजन कुछ तीन नहीं दिन से लगातार आपकी एमएमसी की क्लास चल रही है। एमएमसी बहुत बढ़िया, साथ के साथ हैंड स्किल पे भी काम करवा रहे हैं सर, ब्लैक पेस्टेड पे। तो बात करें मिलन सर के साथ, जो आपकी यूएफआई की क्लास चल रही है, प्रोग्रामिंग की क्लास चल रही है, तो उसमें कोई भी ऐसा थ्योरी है जो आपके दिमाग से स्किप हो गया हो? नहीं सर, मिलन सर बहुत अच्छा से पढ़ा रहा है सर। कितनी बार रिपीट कराते हैं? बहुत बार रिपीट कर रहा है, सुबह शाम को रिपीट कर रहा है, फिर सुबह आने से वही मैटर रिपीट कर रहा है। कोई भी डे वन से लेके अभी तक की क्लास की बात करूं, जो थ्योरी होता है उसका रिपीट प्रैक्टिकल में होता है? नहीं होता है। कोई भी अगर आपका सेक्शन होता है तो उसको प्रैक्टिकल करवाते हैं? हाँ सर। है, बिना प्रैक्टिकल कंप्लीट हुए आपको रूम जाने देते हैं? नहीं जाते हैं। यहाँ का टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग का कोई बाउंडेशन है? नहीं सर, बिल्कुल 10 आवर्स तो बाउंड है यहाँ पे, 10 आवर्स तो करना ही पड़ेगा, उसके आगे ही जाएगा 11 आवर्स कुछ जाएगा। देखिए, आप बिल्कुल इस मोबाइल के फील्ड में बिल्कुल फ्रेशर है जब हम आपसे इतनी बातें कर रहे हैं, क्योंकि देखिए फ्रेशर स्टूडेंट को भी समझ में आना चाहिए, क्योंकि काफी फ्रेशर स्टूडेंट देखते हैं तो उनको भी समझ में आना चाहिए कि आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, आप सीख सकते हैं तो वो क्यों नहीं सीख सकते? हाँ सर, इंसान से आदमी से बढ़ के कुछ होता है क्या? नहीं सर, डेडिकेशन होना चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आ जाइए।
जी नाम क्या है आपका? गुड इवनिंग सर, जाहिद याकूब सर। जाहिद जी कहाँ से हैं आप? सर कश्मीर से। कश्मीर से? आपकी आवाज कश्मीर तक जाना चाहिए। यस सर। अच्छा बताइए, इस लाइन में कितने दिन से हैं आप? थोड़ा वाइल्ड लाइन में तो न्यू ही हूँ, इसमें फ्रेशर हूँ, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल से फिर टेलीकॉम से स्विच करके इसमें आया हूँ, तो मेरा हाथ अभी जम नहीं रहा है, क्योंकि मुझे बड़ी बड़ी केबलों को क्या आदत है, 135, 120 का, तो ये छोटी छोटी टूल्स से काम करना थोड़ा दिक्कत हो रहा था पहले, बट अभी बहुत सेट है सर, पहले के मुकाबले में बहुत सेट है। अच्छा कंपोनेंट की नॉलेज आपको पूरा क्लियर है? यस सर। डायग्राम पढ़ पाएंगे आप? हाँ सर क्लियर। डायग्राम पढ़ पाएंगे? यस सर। डायग्राम रीड कर पाएंगे कि कौन सी लाइन कहाँ पे जा रही है? यस सर। बाकी मैं बात करूँ सॉफ्टवेयर की, क्लास सॉफ्टवेयर क्लियर है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह जितना अभी तक सर पढ़ा है उतना क्लियर है सर। ठीक है, अगर मैं ईएमएमसी की प्रोग्रामिंग की बात करूँ? यस सर। अगर कोई भी मोबाइल अगर सॉफ्टवेयर नहीं होता है या लोगों पे है, फ्लैशिंग करने के बाद भी दिक्कत नहीं जाता है? माइंड में ही रीड हो गया सर, छप गया माइंड में सर, माइंड में रीड हो। अगर मैं बात करूँ कि आपको जो प्रैक्टिकल दिया जा रहा है, हैंड स्किल दिया जा रहा है, ये सारी चीज आपको धीरे धीरे क्लियर हो रही है कि नहीं? बहुत क्लियर हो रही है। अच्छा प्रैक्टिस करना कितना जरूरी है? बहुत ज़्यादा जरूरी है सर, जब प्रैक्टिस करते हैं तभी हैंड स्किल आती है, क्योंकि पहले दिन जब मैं कर रहा था तो काफ़ी बॉल्स उखड़ गई थी मुझसे, क्योंकि वो हो नहीं रहा था, बट आज मैंने किया तो बिल्कुल क्लियर हुआ। वीवो का खोला? यस सर। यस वीवो ब्लैक पेस्ट सर। आप तो बिल्कुल फ्रेशर है इस लाइन में, बड़े बड़े टेक्नीशियन जो है ना ये वीवो की पेस्ट देख के डर जाते हैं, अरे भाई वीवो की पेस्ट है, मैं नहीं खोलूंगा, खत्म हो जाएगा फोन। आज बड़ा कॉन्फिडेंस मिला। अच्छा एक चीज मैं आप लोगों से सबसे पूछना चाहता हूँ कि इसके पहले ब्लैक पेस्टेड पे कोई काम करता था क्या? नहीं सर। कोई करता हो तो बताओ सामने। नहीं सर। कोई नहीं करता था। नहीं सर। और अभी इस तीन दिन की अगर मैं बात करूँ तो आपने कितने फोन पे, कितने बोर्ड पे आपने ब्लैक पेस्टेड पे काम किया? कितने कितने बोर्ड भाई? सब पाँच पाँच बोर्ड यहाँ पे ब्लैक पेस्टेड ICCP EMMC पावर निकाला है ना सबने? आपने कितने बोर्ड पे निकाला है? पांच बोर्ड पे, यानी आपको देखा जाए तो EMMC और CP मिला के टोटल 10 IC निकाला है आपने। आपसे कोई IC निकालने में कोई प्रिंट गया था क्या? नहीं सर। नहीं गया था, ईमानदारी से बता रहे हैं। पहले दिन गया था सर। पहले दिन गया था ब्लैक पेस्टेड पे। देखिए IC पे काम तो आप पहले दिन से ही कर रहे हैं। यस सर। है कि नहीं? आपने पहले दिन गया था, आपने तीसरे दिन में पावर निकाल के लगाया था सर, चौथे दिन में आपने CPU निकाल के लगाया था, लेकिन अभी तीन दिन की अगर मैं बात करूं तो आपने लाइव CPU भी निकाल के लगाया। आप ही का कहना है कि पहले आप बड़े बड़े चीजों को देखते थे लेकिन अब चीजें छोटी हो गई है। जमा था कि मैं इलेक्ट्रिकल फील्ड से, लेकिन अब बात करें स्किल की। हाँ सर। अब पहले दिन से लेके अभी तक के स्किल की अगर मैं बात करूँ तो उसके बारे में आप बताइए। बहुत जबरदस्त सर, जो इसमें ट्रिक्स एंड कंडीशंस होती है वो जब बंदा समझ जाता है तो ऑटोमेटिकली से मसल मेमोरी कहते हैं सर, जब आपका हाथ जमना इसलिए मसल मेमोरी कहते हैं, जब आपके हाथ में वो पता चल जाता है माइंड को कि मुझे किस जगह पे कितना फोर्स देना है, उस चीज़ को सेट करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है माइंड को भी और बंदे को भी, तो वो चीज़ हम यहाँ पे सीख रहे हैं और काफ़ी डीप लेवल में सीख रहे हैं पहले दिन से आज तक सर, और काफ़ी इम्प्रूवमेंट लग रही है, और आगे जब हम जाएंगे इंशाल्लाह फील्ड में तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होती जाएगी। थैंक यू वेरी मच। आपको नेक्स्ट स्टूडेंट से मिलना चाहूंगा, क्या नाम है आपका? पवित्र गिरी। पवित्र कहाँ से हो? वेस्ट बंगाल से। कैसा रहा सफर आपकी? बहुत अच्छी है। बहुत अच्छा। EMMC की क्लास कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। आपके वहाँ से अगर कोई आना चाहे क्या बोलना चाहेंगे उनके लिए? जरूर आ सकता है ऐसे टेलीकॉम। अच्छा आने में पैसा लॉस तो नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं पैसा क्यों। अच्छा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं आऊंगा दुकान बंद हो जाएगा, क्या दुकान बंद करके आऊंगा, तो क्या बोलना चाहेंगे उन लोगों के लिए? एक महीना दुकान बंद करके आएगा लेकिन पूरा साल के लिए अपना जो नॉलेज लेके जाएगा ना, तो अभी बहुत ज्यादा तो काम कर सकता है। बहुत ज्यादा काम कर, क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ होना भी पड़ता है। तो पड़ेगा है। तो पवित्र थैंक यू वेरी मच। मैं और एक स्टूडेंट से बात करूंगा, क्या नाम है आपका? नमस्ते सर, मेरा नाम शिवम चौधरी है, मैं RCMP से ही। जी चलिए मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि तीन दिन की आपकी EMMC का जो क्लास हुआ है, थ्योरी की मैं बात करूँ, आप कभी UFI चलाए थे? कभी नहीं चलाए थे। आपने UFI का कभी नाम सुना था? नहीं नाम नहीं सुना था, फर्स्ट टाइम। मोबाइल के फील्ड में आप कब से हैं? लगभग 8-9 साल। तो देखा जाए तो आप रिपेयरिंग के फील्ड में बिल्कुल फ्रेशर हैं, क्योंकि आप UFI का अभी तक नाम नहीं सुने थे। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा हार्डवेयर का पहला दिन। जी। अब आपको जब आप पहले आए थे तो आपको ऐसा लग रहा था कि आप सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे? सर पहले तो कंफ्यूजन था, पहले डाउट में थे, पर आपका डाउट की बात करें तो कब क्लियर हो गया आपका डाउट? जब पावर लाइव लगाया था वन मोबाइल में, तब देखा जाए तो आपका डाउट तीसरे दिन में क्लियर हुआ, क्योंकि हम तीसरे दिन में आपसे लाइव चालू फोन से पावर निकलवा के फोन को चालू करवाते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा स्टूडेंट है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने पावर निकाल के फोन को चालू ना किया? ना ना, हर एक स्टूडेंट ने किया सर। हर एक स्टूडेंट? चौथे दिन की बात करें तो जी फोन लाइव CPU लगा दिया सर।
तो और बात करें कि जो आपका सेक्शन चालू हुआ देव सर के साथ, कोई भी ऐसा सेक्शन है जो आप डायग्नोज ना कर पाए, किसी भी आईसी की बात करें कि इसमें इनपुट कितना आता है, आउटपुट कितना निकलता है, कब इनपुट देना है, कब आउटपुट देना है, ये सब सारी चीज़ें आपको पता है? नहीं पता जी सर, सारी चीज़ें पता है और पूरे सर ने इनलेस तरीके से बताया कि सारा डाउट क्लियर रहेगा उसमें। मतलब इतना डीप तो बहुत कम मोबाइल आते हैं हमारे पास, लेकिन सर ने ऐसा सोल्यूशन दिया कभी आ भी जाएगा तो वो रिटर्न नहीं जाएगा, रिटर्न नहीं जाएगा। उसके बाद सर ने आपका बोर्ड का देखने का नजरिया चेंज करवाया होगा। बिल्कुल सर, कि आप कैसे सीपीयू देख के उसको डायग्नोस कर पाएंगे कि कौन सा आरएफ लगा होगा, कौन सा पावर होगा, कौन सा सेकेंड पावर होगा, कौन कौन सी आईसी, आपने देख के ही बताए होंगे आपको कि अब आप बता पाएंगे नहीं बता पाएंगे? बिल्कुल सर, पहले तो क्या होता था कि जब पीसी हाथ में लेते थे तो देखते थे ये क्या होगा, ये क्या वर्क करता होगा, मतलब थोड़ा सा लगता था क्या क्या काम के छोटे छोटे, लेकिन अब जब हाथ में आता तो एक एक कंपोनेंट की आइडेंटिटी पूरी समझ में आती कि ये पावर है, ये सीपीयू, ये एमएमसी है, फिंगर आईसी है, ये सेकेंड सब पावर है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद मैं बात करूँ दुर्गेश सर के साथ आपकी सॉफ्टवेयर की क्लास हुई, बहुत जबरदस्त तो हुआ था। तो सॉफ्टवेयर की क्लास में आपका जो सर ने आपको हार्डवेयर में सीपीयू का आइडेंटिफिकेशन बताया था, सॉफ्टवेयर में वो चीज़ काम आया कि नहीं आया? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सीपीयू वाइज हमको, मतलब शुरू से हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर और ईएमएमसी में आ गए, सिर्फ सीपीयू वाइज काम चल रहा है हमारा, ना कि मॉडल वाइज। आप जब हमको सिर्फ बोर्ड देखना है क्या सीपीयू लगा है, मॉडल से हमको कोई मतलब नहीं। सॉफ्टवेयर आपका क्लियर हुआ? क्लियर, क्योंकि आपका जो बेसिक था सीपीयू आइडेंटिफिकेशन का देव सर के साथ में हो चुका था, फिर आपने दुर्गेश सर का सॉफ्टवेयर का क्लास अटेंड किया, वो आपको समझ में आया जी। फिर मैं बात करूँ अब ईएमएमसी की आप जी, तो ईएमएमसी में आप आए मिलन सर के साथ जी। तो मिलन सर के साथ जब आप आए तो आपको सीपीयू में कौन कौन सी फाइलें होती है, जैसे मीडियाटेक में स्कैटर फाइल होती है, क्वालकॉम में राव प्रोग्राम होता है, ये सब सारी चीजें, सैमसंग की बात करें तो एमडी फाइल होता है डॉट एम्बिएंट। तो ओवरऑल अब बताइए कि कोई भी ऐसा फोन आ जाए आपको सीपीयू देख के आप बता देंगे कि इसमें कौन से फाइल लगनी है? बिल्कुल सर, फाइल का क्या नाम होगा, क्या नाम होगा, कौन सा टूल यूज करना है? अब एंड प्रोग्रामिंग की बात करें, क्योंकि देखिए सॉफ्टवेयर करने के बाद भी अगर फोन नहीं चालू होता है तो आपको उसको प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि उसमें कौन सी ईएमएमसी लगी होती है, कौन सा खराब होता है, जी जी, कौन सा आप रिपेयर कर सकते हैं, कौन सा रिपेयर आप नहीं कर सकते हो, किसको रिप्लेस करना ही पड़ेगा जी। तो आपको डायग्नोस करना बताया गया? बिल्कुल, क्योंकि देखिए आप, आपका डेट सेक्शन हो चुका था आपका देव सर के साथ में, तो आप तो डीसी ग्रेडिंग से आपको जज कर सकते थे, सिक्वेंस से पता कर सकते थे इसमें सॉफ्टवेयर करना है या फिर ईएमएमसी करना है, क्योंकि दोनों में से एक ही चीज करना होता है। तो सॉफ्टवेयर करने के बाद भी अगर नहीं होता है तो आप क्या करते? प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग तो प्रोग्रामिंग की अब मैं बात करूँ, 3 दिन की क्लास हो चुकी है, तो प्रोग्रामिंग के लिए अगर भाई देवे अगर आपको फोन दे दे, आपने ईएमएमसी को डिटेक्ट कर लिया, इंटरफेस खुल गया जी उसका जी। तो आप उस इंटरफेस में एक एक लाइन को डायग्नोस करके आप बता सकते हैं कि क्या लाइन क्या काम करती है, एरर्स बता सकते हैं, उसका हेल्थ चेक कर सकते हैं, नेट टेस्ट कर सकते हैं। इसका करने के बाद मैं बात करूँ कि अगर आपको चेंज करना है या फिर उसी को रिपेयर करना है तो डंप, रीड और राइट करना, दूसरे दिन में आपको बताया गया होगा कि कैसे आपको रीड राइट करना है। तो रीड राइट करना आपको बताया गया, समझ में आया? बिल्कुल सर, कि कितने एमबी का डंप बनाना है, कौन से सीपी में आपको डंप बनाना है, कौन से सीपी में डंप नहीं बनाना है। चलिए ठीक है, नया जी भी बताया सर ने, सर ने बताया जी। देखिए अभी आप यूट्यूब पे काफी वीडियो अगर नहीं यूज किए हैं तो यहाँ पे बहुत सारे लोग वीडियो देखते होंगे यूट्यूब पे, लेकिन उसमें उन्होंने देखा होगा कि कितना जीबी का डंप बनाते हैं, लेकिन अब सर ने आपको बताया होगा कि कितना आप बना सकते हैं, कौन से सीपी में बनाना है, कौन से सीपी में मुझे नहीं बनाना है। एक बात बताए, क्या हर एक फोन में डंप फाइल चाहिए क्या? नहीं सर, हर एक फोन में डंप फाइल नहीं चाहिए। कौन कौन यूट्यूब से देख के डंप बनाता था भाई, जो यूज फाइल चलाते थे आप बनाते थे यूट्यूब पे देख के, और आप बनाएंगे क्या? नहीं बनाएंगे सर। चलिए ठीक है, डंप फाइल की जरूरत नहीं है, हर फोन में डंप फाइल की जरूरत नहीं है, हमें पता है किस फोन में डंप फाइल की जरूरत होता है, किस फोन में डंप फाइल की जरूरत नहीं होता है। थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं। परमेश्वर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया होगा, क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? सीपीयू निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1। Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं?